महज 100 घंटों में कोरोना के 10 लाख मामले दुनिया भर से सामने आए हैं। जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तब 10 लाख मामले आने में 4 माह का समय लगा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि संक्रमण की रफ्तार किस हद तक बढ़ चुकी है। सभी देशों का अब यही मानना है कि जब तक कोरोना वायरस की कोई कारगर वैक्सीन नहीं बन जाती है, संक्रमण से निजात पाना संभव नहीं है। हालांकि कुछ देशों ने कड़े नियम लागू कर कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफलता पाई है। जिन देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है उसमें अमेरिका, ब्राजील और भारत टॉप 3 देश हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 150 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें से कुछ वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फेज में पहुंच चुकी हैं। हम आपको बता रहे हैं उन वैक्सीन के बारे में जिन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अंतिम चरण में अमेरिका। अमेरिका में मॉडर्ना 27 जुलाई के आसपास वैक्सीन के मानव परीक्षण के अंतिम चरण की योजना बना रही है। कंपनी 87 स्थानों पर ट्रायल करेगी। ये सभी स्थान अमेरिका में ही हैं। सरकार वैक्सीन का वित्त पोषण करेगी। कनाडा स्थित मेडिकैगो ने कोविड वैक्सीन के परीक्षण के लिए पहले चरण का ट्रायल शुरू किया है। रूस का अगस्त में वैक्सीन लॉन्च करने का दावा। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्लिनिकल ट्रायल गैमेलई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी में 18 जून से शुरू हुआ था। वॉलंटियर्स के पहले बैच को 15 जुलाई को छुट्टी दे दी गई है, जबकि दूसरे बैच को 20 जुलाई को छुट्टी मिल गई है। सबसे ज्यादा उम्मीदें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल के दूसरे और तीसरे दौर में है। ट्रायल के दूसरे फेज में 105 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। तीसरा ट्रायल नवंबर में 6000 लोगों पर करने की योजना बनाई गई है। इस वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। ट्रायल के तीसरे चरण में चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी है। तीसरे दौर में पहुंचने वाली दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। अबू धाबी में 15,000 रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स को पहली डोज दी गई है। 28 दिन के अंदर 2 बार वैक्सीन की डोज देने पर 100% लोगों में एंटीबॉडीज विकसित हुई है। चीन में 4 संभावित कोरोना की वैक्सीन विकसित की जा रही है। वुहान इंस्टीट्यूट और सीना फार्म्स की वैक्सीन दूसरे चरण में है। पहले और दूसरे फेज में भारत में भी कोवैक्सीन और जोकोव डी नाम की 2 वैक्सीन का फेज 1 और 2 का ट्रायल भी शुरू हो गया है। शुरुआती डोज दिए जाने के बाद वॉलंटियर्स में किसी तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। रिसर्च में सहयोग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। कंपनी की तैयारी मार्च तक मानव परीक्षण पूरा करने की है। सफलता मिलने के बाद 100 मिलियन डोज बनाई जाएगी। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया दूसरे फेज में। जर्मनी में बायो एनटेक पीफाइजर और फोसन फार्मा संभावित वैक्सीन बनाने के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया का वैक्सीन पैटी लिमिटेड और मेडिटॉक्स पहले चरण में पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।